الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم صدق الله العظيم। कुरान मजीद की आखिरी दस सूरतों का ताल्लुक नबी इस्लाम की ज़ात बबरका के साथ खसूसियत के साथ है। आवल फील उस साल को कहते हैं जिस साल में अल्लाह ने हाथी वालों को बर्बाद किया और उसी साल में नबी इस्लाम की विलादत मुबारक हुई। फिर नबी इस्लाम किस कबीले थे उस कबीले का तज़किरा सूरह कुरैश में हुआ। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने जब नबुव्वत का दावा फरमाया तो इर्द गिर्द का माहौल कैसा था उसका तज़किरा सूरत अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन में हुआ। अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन इनामात से नवाजा उस खैर कसीर का तज़किरा सूरह कौसर में। इस मौके पे पहुंच के अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया कि मेरे महबूब अब बरमला ऐलान कर दो टोक ऐलान कर दो। इसको कहते हैं बांगे दरा, खुल के ऊंची बात करना। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, और नतीजा निकाला लकुम दीनकुम वलिय दीन। फिर इस मंजिल तक पहुंचने पर अल्लाह ने क्या मदद नुसरत फरमाई उसके बारे में फरमाया इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी रिश्तेदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। उनमें से एक ऐसा चचा था जिसके साथ दोहरी रिश्तेदारी थी। एक तो चचा होने के नाते तकाजा है इंसान का कि इंसान तकलीफ ना पहुंचाए। राय का इख्तलाफ अपनी जगह, इतकाद का इख्तलाफ अपनी जगह, दुश्मनी भी तो ना उतर आए। जब अबू तालिब भी थे उन्होंने भी इस्लाम कबूल नहीं किया मगर उन्होंने मेरे इस्लाम की कफालत की, उनको वो दिया जो चचा अपने भतीजे को देता है। ये भी ऐसा कर लेता मगर चूंकि ये बदबख्त था इसने अपनी हवस निकाली और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब इजा पहुंचाई। उसका तज़किरा सूरह लहब में है। अबू लहब का और उसकी बीवी का खबासत में उसकी बीवी उससे दो कदम आगे बढ़ी हुई थी। इनके अंजाम बद का तज़किरा सूरह लहब में है। फिर अल्लाह ताला ने तौहीद का वो पैगाम दिया जो कुरान मजीद का असल निचोड़ है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। चार आयात हैं और चार तरह की इसमें तौहीद बयान हुई है। एक है तौहीद वजूदी, कुल हुवल्लाहु अहद, आप कह दीजिए कि अल्लाह तन्हा है, अकेला है, अल्लाह यकता है। ये तौहीद वजूदी हुआ। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह वो ज़ात है कि जिसका काम किसी बिन अड़ता नहीं और किसी का काम उस बिन संवरता नहीं। ये तौहीद शहूदी है, हर बंदा जानता है, हत्ता के काफरों से पूछो ना तुम्हारा काम कौन करता है वो भी अल्लाह का नाम लेते हैं। कुरान मजीद में एक आयत है, अल्लाह फरमाते हैं कि जब ये समुंदर के अंदर कश्ती फंस जाती है तो इनसे पूछो कि इसे निकालने वाला कौन है, कुल अल्लाह, ये कहते हैं कि अल्लाह निकालने वाला है। तो मुशरिक बुतों की
पूजा करते थे, मगर ये भी समझते थे कि मदद करने वाला हमारा अल्लाह है। फर्क ये था कि वो अल्लाह को भी पुकारते थे, बुतों को भी पुकारते थे। और इस मामले में अल्लाह ताला बहुत सख्ती फरमाते हैं। इरशाद फरमाया, इन अल्लाह ला यग़फिर अन युशरक व यग़फिर मा दून ज़ालिक लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को तो कभी माफ नहीं करेगा, जो गुनाह होगा अल्लाह सबको माफ कर देंगे। फिर तीसरी आयत, लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने किसी को जाना ना किसी ने अल्लाह को जाना। ये तौहीद ज़ाती है। और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं, कोई मिसल नहीं, कोई उसकी बीवी नहीं। ये तौहीद सिफाती है। तो चार लफ्ज याद रखने से पूरी सूरत का खुलासा आ जाता है, तौहीद वजूदी, तौहीद शहूदी, तौहीद ज़ाती, तौहीद सिफाती। अब ये जो पैगाम मिल गया, ईमान पक्का हो गया, इसको कहते हैं जल्ब मनफात, नफा का हासिल हो जाना। उसके बाद होता है दफ़े मसरत, नुकसान का दूर होना। तो मुआवज़ैन के सूरते हैं, उनमें अल्लाह ताला ने दफ़े सूरत का, दफ़े मसरत का तरीका बता दिया। सूरतुल फलक में जिस्मानी आफात से बचाव का तरीका, और सूरतुल नास में रूहानी बचाव का तरीका। सूरह फलक में दुनियावी आफात से बचने का तरीका, और सूरह नास में उखरवी आफात से बचने का तरीका। क्योंकि आखिरत की नाकामी बड़ी नाकामी है, वहां आके अल्लाह ने अपने कुरान को खत्म किया। अब आज की सूरत, सूरत अराइत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन है। अरब के माहौल और माशरे को समझने के लिए दो बातें ज़हन में रखिए कि वहां पर बेपर को गया आबादी थी, न खेती थी, न दरख्त थे, न सब्जियां थी, न कुछ नहीं था। बेवादिन गैर सी जरन, चटियल बस पहाड़ थे। जो लोग मक्का मुकर्रमा जा चुके हैं वो जानते हैं कि सिर्फ पत्थर थे। तो तंग दस्ती थी उनके पास, और ये तंग दस्ती है ना, ये बड़ा अजाब है। नबी सामने कादल फख्र यकून कुफरा, करीब है कि तंग दस्ती तुझे कुफर तक पहुंचा दे। अब जब तंग दस्ती होती है ना, तो फिर जरायम आम हो जाते हैं। चुनाचे अरबों में भी यही था, लूट मार। लोग काफले तिजार से जो थे वो वहां से गुजरते हुए डरते थे, और कुरैश जो के बहादुर थे तो इनसे और ज्यादा डरते थे। आज के जमाने में यूं समझे कि ये कच्चे का इलाका बना हुआ था, जहां डाकुओं का राज था, ना लोगों का माल महफूज था, न जान महफूज थी, न इज्जत आबरू महफूज थी। जंगल का कानून था। कुछ तो थे जो बाहर से माल लूटते थे, और कुछ ऐसे थे जो माशरे के अंदर माल लूटते थे। उनमें एक खबीस का नाम था अबू जहल। ये मक्का का बड़ा सरदार था, बड़ा इसका रख रखाव था और शान शौकत थी। जब किसी बंदे को देखता ना कि बीमार है और चल चलाओ का वक्त है, तो उसके पास जाता और उसे कहता, देख तेरे बाद तेरे बच्चे छोटे हैं, तेरे भाई कब्जा कर लेंगे, रिश्तेदार कर लेंगे, तेरे बच्चे महरूम हो जाएंगे, तो बेहतर है कि अपनी जायदाद का वारिस मुझे बना दे, मैं तेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगा। लोग एतबार करके उसको अनाउंस कर देते,
अब जब वो बंदा फौत हो जाता तो ये यतीमों के माल पे कब्जा कर लेता और उन्हें खाने पीने तक पहनने तक नहीं देता था। अगर कोई आके मुतालबा करता तो ये उसे मारता था। चुनाचे एक मरतब ऐसा हुआ कि एक यतीम बच्चा था, उसने आके कहा जी के मेरे वालिद के माल में से मुझे कुछ पैसे दे दो। इसने डंडे से उसे मारा, वो बेचारा रोता हुआ बाहर निकला। बाकी कुरैश मक्का ने पूछा कि भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा देखो जी मैं अपना माल मांग रहा हूं और इसने मुझे मारा है और धक्के दे के निकाल दिया है। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ऐसे करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हारा मसला हल करवा देंगे। असल में उनका मुद्दा ये था कि हल तो ये मसला होना नहीं, हम बाद में मजाक उड़ाएंगे, देखो जी ये एक यतीम की भी मदद ना कर सके। प्रोपेगंडा करने वाले ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे हुआ तो भी प्रोपेगंडा और ऐसे हुआ तो भी प्रोपेगंडा। वो यतीम ना वाकिफ था बच्चा, वो नवील साहब के पास आ गया। हालांकि वो छोटा बच्चा था, उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा हक दिलवा दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक थी कि हाजतमंद को खाली नहीं जाने देते थे, ये बात समझने वाली है। नबी अलैहिस्सलाम हाजतमंद को खाली नहीं जाने देते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम उसके पास चले और अबू जहल के पास आए। अबू जहल ने नबी अलैहिस्सलाम को आते देखा तो उठ के खड़ा हो गया और लबैक कहा, जैसे होते हैं ना, अच्छा मेरे भतीजे आ गए, यही किया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई इसका हक है तो इसको देते क्यों नहीं? कहते जी मैं अभी देता हूं। फौरन उसने पैसे दे दिए, सारे पैसे पे कर दिए। वो यतीम भी खुश हो गया और नबी अलैहिस्सलाम भी वापस आ गए। इस मौके पे बाकी सरदार ने कुरैश ने अबू जहल से क्वेश्चन किया कि वैसे तो एक पाई नहीं देते और इस बंदे को जिसने नबूवत का दावा किया तुमने सारे पैसे दे दिए। वो कहते हैं मेरा देने का इरादा नहीं था, लेकिन अल्लाह की कसम जब वो आया तो मैंने देखा कि उसके दाएं बाएं नेजे वाले लोग हैं और मुझे लगा कि वो नेजे से मेरी जान निकाल देंगे, मैं डर गया, इसलिए मैंने उनको पैसे दे दिए। तो नबी अलैहिस्सलाम के ये मौजदात काफरात भी काफिर भी देखते थे और उनके दिल मानते थे, लेकिन जिद वजह से, हठधर्मी की वजह से, इनाद की वजह से उसको जबान से मानना उनके लिए मुश्किल होता था। अब आप इस सूरत के नज़ूल का सबब तो समझ ही गए कि यतीम का वाक्या पेश आया और अल्लाह ने यह सूरत उतारी। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने देखा है उस शख्स को जो जजा और सजा को झुठलाता है? अमूमी तौर पर लोग खुदा के वजूद के मुनकर भी होना तो जजा और सजा के कायल होते हैं, क्योंकि अकल कहती है कि एक दिन ऐसा होना चाहिए कि नेकी वाले को उसका अजर मिले और बुराई वाले को उसकी सजा मिले। जजा और सजा इंसान की अकल भी मानती है, लेकिन कुछ ऐसे कम वक्त हैं जो इसको भी नहीं मानते। तो अबू जहल क़यामत को नहीं मानता था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखा आपने उस शख्स को जो जजा और सजा को झुठलाता है। फ़ज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है। दा यदो, धक्के देना। अल्लाह फरमाते हैं यौम युदाउना इला नार जहन्नम दा, क़यामत के दिन मुजरिम को धक्के मार मार के जहन्नम में डाला जाएगा।
वला यहुद्दु अला तौअमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना देने की तरहीब नहीं देता। तो ये बड़े बड़े गुनाह हैं, यतीम को धक्के देना, डांटना और मिस्कीन को खाना न खिलाना। शरीयत इतनी खूबसूरत है, वो चाहती है कि हर बंदे को अल्लाह ताला पेट भरने का मौका दे। इसलिए मेहमान नवाजी शरीयत ने सिखाई कि जब भी तुम्हारे पास कोई आए, तुम फौरन उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए पेश करो, जो भी हो। इसमें ज़रूरी नहीं कि मशरूबात हों, माकूलात हों, सादा पानी भी आप पेश कर देंगे ना, तो मेहमान कंफर्टेबल हो जाता है कि हाँ भाई, मेरे आने पर इसको खुशी हुई है। नबी रिसाम ने फरमाया, बिद दाखिले वाहशतुन, कि जो बंदा आता है ना, तो उसके ऊपर एक वाहशत होती है, अजनबीयत होती है कि पता नहीं मेरा आना इसको कहीं नागवार तो नहीं गुजरा। अब अगला बंदा अगर पानी भी पेश कर दे तो वाहशत खत्म हो जाती है, अपनाइत आ जाती है। इसी शरीयत ने इस पर बहुत जोर दिया है, खाना खिलाओ एक दूसरे को, खासतौर पर मिस्कीन को। तो यहां तक एक मज़मून था। आगे फरमाया, फ़वैलुल मुसल्लीन, फिर बड़ी खराबी है उन नमाजियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गफलत करते हैं। मुसलमान माशरे में भी कुछ ऐसे लोग थे जो मुनाफिक थे, वो नमाज में सुस्ती करते थे, और ये नमाज में सुस्ती करने की रस्म आज तक चलती आ रही है। आज भी जिस बंदे के दिल में निफाक होता है, वो नमाज में सुस्ती करता है, और इसका शिकार औरतें बहुत ज्यादा हैं। दिल में होता है, नमाज पढ़ती हूँ पढ़ती हूँ पढ़ती हूँ, बस मैं चाय बना के पढ़ती हूँ, बस मेहमानों को खाना दे के पढ़ती हूँ, और उसमें टाइम निकाल बैठती है। उसूल ये है कि जब अजान की आवाज सुन ली, वुजू करके मुसल्ले पे आ जाओ और अल्लाह का फरीजा पहले अदा करो, बाकी काम बाद में। और कुछ जाहिल सूफी होते हैं जो वैसे ही बेनमाजी होते हैं। मुझे अपनी जिंदगी में एक सूफी मिला, सूफी क्या वो जाहिल था, मुझे कहने लगा, जी कि आप नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज कायम करते हैं। मैंने पूछा, कायम करने का क्या माना? कहते जी, अल्लाह ने नहीं कहा नमाज अदा करो, अल्लाह ने कहा नमाज कायम करो, अकीमुस्सलाह। मैंने कहा फिर? कहते बस हमारी कैफियत हर वक्त नमाज वाली होती है, तोड़ी पांच वेले साड़ी हर वेले, तुम पांच दफा दिन में नमाज पढ़ते हो, हम हर वक्त नमाज की हालत में रहते हैं। तो फिर देहाती लोगों को गुमराह करना उनके लिए आसान हो जाता है। फिर मुझे कहने लगा कि जी सहाबा में सबसे अफजल हजरत अली है। मैंने कहा, हजरत अली की फजीलत अपनी जगह पर, लेकिन सहाबा में तो और भी सहाबे हैं जो उनसे भी फजीलत रखते हैं। कहते हैं, नहीं, कुरान का फैसला है कि अली सबसे अफजल है। तो उन दिनों में कुरान का तर्जमा पढ़ रहा था उस्ताद से, तो मुझे हैरत हुई। तो मैंने कहा, कुरान में कहाँ दर्ज है? कहने लगे, पढ़ा है, वह वल अली उल अजीम, और वो जो अली है वही अजीम है। अब ऐसा तर्जमा अगर करेंगे तो ईमान जनाजा निकल गया ना। अल्लाह ताला ऐसे जाहिल सूफियों से हमें महफूज फरमाए। हजरत कुरैशी रहमतुल्लाह ने वाक्या सुनाया, उनके जमाने में एक जाहिल पीर था, नमाज नहीं पढ़ता था। अब जिस घर में गया तो घर की खातून बड़ी परेशान थी कि ये कैसा पीर हमारे घर आया है कि ये नमाज ही नहीं पढ़ता। उसने खाने से पूछवाया कि ये नमाज तो नहीं पढ़ते? उसने यही जवाब दिया, साड़ी पांच वेले साड़ी हर वेले।
खातून ने कहा नहीं, नमाज तो पढ़नी जरूरी है, फर्ज है, पढ़नी चाहिए। तो उसने नया बहाना बनाया, कहते जी मैं मदीने पढ़ के आता हूं। खातून भी समझदार थी, उसने कहा ठीक है। अब अगले दिन उसने खाने में उसको दही दी, मगर पहले चीनी बर्तन में डाल दी, ऊपर दही रख दी। अब पीर साहब ने जब दही का चम्मच लिया तो कहने लगे ये क्या किया, इसे चीनी नहीं डाली। उसने कहा पीर साहब दही के नीचे की चीनी तो नजर नहीं आती, तो आप यहां बैठे मक्का मदीना की चीजें क्या नजर आएगी। तो नमाज में सुस्ती करना अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। इसी आदत ही होनी चाहिए कि जैसे ही अल्लाह अकबर की आवाज आई सब काम रोक दो, वजू करके पहले नमाज अदा करो फिर बाकी काम। और अभी पढ़ती हूं अभी पढ़ती हूं, शैतान इसका फायदा उठाता है और नमाज कजा करवा देता है। एक औरत को शैतान ये कभी नहीं कहता कि तूने नमाज नहीं पढ़नी, कहती है नहीं पढ़नी है, बस थोड़ा सा दम ले लूं, बस मैंने ये चीज रखी हुई है, तैयार हो जाए तो मैं फौरन पढ़ती हूँ। और कामों में से काम निकलते आते हैं और नमाज लेट हो जाती है या कजा हो जाती है। फरमाया अल्लज़ीना हुम युराऊन, वो लोग जो दिखावा करते हैं, तो यमनऊन अल माऊल, दिखावा अल्लाह को बहुत नापसंद है। चाहे रियाकारी की वजह से बंदा कोई भी अमल करेगा पहाड़ों के बराबर भी होगा अल्लाह उसे रद्द कर देगा। हदीस मुबारक में आता है कि क़यामत के सबसे पहले अल्लाह ताला के सामने एक आलिम को पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाए कि मेरे बंदे क्या लाया, या अल्लाह मैंने सारा उम्र दीन की खिदमत की, मैं खतीब था, मैं वाज करता था, मैं फलां करता था, मैं फलां करता था। अल्लाह फरमाएंगे तू जो करता था इसलिए कि लोग तुझे बड़ा खतीब कहें, तेरा नाम हो, खिताबत की दुनिया के बादशाह, बेताज बादशाह, क्योंकि तेरी नीयत ये थी लिहाजा मुझे तेरा कोई अमल पसंद नहीं, फरिश्तों इसको उल्टा करके जहन्नम के अंदर फेंक दो। फिर अल्लाह ताला एक सखी को बुलाएंगे जो बड़े फलाही काम करवाता था और बड़ा खैर खा था लोगों का, मेरे बंदे क्या किया, अल्लाह इतनी पुलें बनवाई, इतने यतीम खाने बनवाए, इतने ये बनवाए, इतनी मस्जिदें बनवाई। अल्लाह फरमाया तूने कुछ किया इसलिए कि तुझे लोग बड़ा सखी कहे, क्या मेरे पास तुम्हारे कुछ नहीं, इसको भी उल्टा जहन्नम में डाल दो। फिर एक शहीद को पेश किया जाएगा, मेरे बंदे क्या लाए, अल्लाह मैं आपके रास्ते में जिहाद करता था और मैंने तो अपनी जान पेश कर दी। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, चीज दिया थी कि लोग मुझे बड़ा बहादुर कहेंगे, कि फलां बड़ा बहादुर था, क्योंकि तेरी नीयत दिखावे की थी लिहाजा इसको जहन्नम में डाल। अब आप बताइए कि जानी शराबी को पहले नहीं डाला जाएगा, आलिम सखी और शहीद को पहले डाला जाएगा, यमनऊन अल माऊन, और मामूली चीज भी नहीं देते हैं। मामूली चीज क्या मुराद, इस्तेमाल की छोटी-छोटी चीजें, जैसे हमसाये में लोग पानी मांग लेते हैं, नमक मांग लेते हैं, आग मांग लेते हैं, तीली मांग लेते हैं, तो ये छोटी-छोटी चीजें हैं। जब करीब करीब खेमे लगे हुए हो ना और एक औरत दूसरे को, उसमें इस्तेफहाम ताज्जुब के लिए है और खिताब नबी अलैहिस्सलाम को है,
रोयत से मुराद रोयत बसरी या रोयत कल्बी है, तो माना ये होगा, ए मेरे महबूब, क्या आपने वो शख्स आपको वो शख्स मालूम है जो जजा और सजा का इनकार करता है। बाद मुफसरी ने कहा कि दीन से मुराद दीन इस्लाम भी है। क्यामत के दिन का इनकार सारी खराबियों की जड़ और बुनियाद है, क्योंकि बंदे को जब ये हो कि कोई क्यामत नहीं तो फिर नफ्स कहता है कि जो चाहो करो। बाबर बैश कोश के आलम दोबारा नेस्त, अकीदे आखरत के फायदे ये हैं कि एक तो बंदा नेक आमाल की कोशिश करता है और बुरे आमाल से बचने की कोशिश करता है, दूसरा फायदा है कि उसके लिए मुसीबत को बर्दाश्त करना आसान होता है। गुर्बत हो, तंगी हो, अफलास हो, वो यही सोच के खुश हो जाता है कि ये चंद दिन का इम्तहान है, खत्म हो गया तो क्यामत दिन मुझे इस अजर मिलेगा। हदीस पाक में नबी साहब ने फरमाया कि क्यामत के दिन गरीब आदमी अमीर आदमी से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होगा, जबकि क्यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। तो अब आप सोचें कितनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला उनको 500 साल पहले जन्नत अता फरमा देंगे। फिर ये कि अगर किसी बंदे पर जुल्म और ज्यादती हो रही है, वो अपने दिल को खुद भी तसल्ली दे देता है कि ये दुनिया में तो मुझे जुल्म कर रहा है, एक वक्त आएगा इस जुल्म का बदला इससे लिया जाएगा। देहातों में फिक्र बोलते हैं, ए जहान मीठा ते अगर, ये जहान मीठा है और अगर इससे जाके देखा है तो ये आखिरत का इनकार है। एक होती है तकजीब एतकादी और दूसरा होता है तकजीब अमली। तकजीब एतकादी तो ये है कि माने ही ना कि क्यामत आनी है या नहीं, और तकजीब अमली है कि मानता तो है लेकिन परवाह कोई नहीं। अब इस तकजीब अमली में हम भी शरीक हैं कि हम कहते तो हैं कि क्यामत आने वाली है लेकिन बिल्कुल जानवर बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। यतीम का माल खाना, इसकी तफसील सुन लीजिए। एक तो तरीका यह है कि वालिद के मरने के बाद उसकी जमीन पे, मकान पे, कारोबार पे करीबी रिश्तेदारों का कब्जा कर लेना, ये यतीम का माल खाना है। दूसरा तरीका यह है कि जब कोई बंदा मरता है ना, तो उसके वरसा में अगर कोई छोटा बच्चा हो तो उसकी इजाजत के बगैर माल खर्च नहीं कर सकते। अब जो बाद वाले होते हैं वो उसका 30वां और 40वां और सारा जो है वो उसके माल में से कर रहे होते हैं, जो कि खाने वालों के लिए खाना हराम होता है। नबी साहब ने इरशाद फरमाया कि क्यामत के दिन कुछ लोग होंगे, बल्कि अबू सईद खुदरी बयान फरमाते हैं कि नबी साहब ने फरमाया कि मेराज की रात मैंने ऐसी कौम देखी जिनके ऊंट होंठ ऊंटों की तरह थे और उन पर ऐसे लोग मुकर्रर थे जो उनके होंठों को पकड़ते, फिर उनके होंठों में आग के पत्थर डालते और वो पत्थर उनके पीछे से निकल जाते थे। यानी मुंह में पत्थर डाले जाते थे और खाने के रास्ते पत्थर निकल जाते थे, पूरे जिस्म को जलाते थे। मैंने पूछा ये लोग कौन है, तो जवाब मिला कि ये वो लोग हैं जो जुल्मन यतीम का माल खाते हैं।
इसी अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि इन्नमा याकुलून फी बुतूनहिम इल्ला नारा, वो नहीं खाते मगर अपने पेटों में आग भर रहे होते हैं। अब हुरैरा से रवायत है कि नबी साहब ने फरमाया चार बंदे ऐसे हैं जिनको जन्नत में दाखिल ना करना और जन्नत की नेमतें न चखाना अल्लाह पर हक है, यानी अल्लाह पर लाजिम है। अब बताइए कितनी बड़ी वईद है कि चार बंदे ऐसे हैं जिनको अल्लाह न जन्नत में डालेगा न जन्नत की उनको खुशबू सिखाएगा। इन चार गुनाहों से खास तौर पे बचना चाहिए। एक शराब का आदी, दूसरा सूद खाने वाला, तीसरा नाहक तरीके से यतीम का माल खाने वाला, और चौथा वालदेन का नाफरमान। अल्लाह अकबर कबीरा। इसके बिलमुकाबिल जो यतीम की परवरिश अच्छी करे उसकी बड़ी फजीलत है। नबी अलैहिस्सलाम ने दो उंगलियां इस तरह करके फरमाया कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला क़यामत के दिन इस तरह इकट्ठे होंगे जिस तरह हाथ की दो उंगलियां एक दूसरे के साथ हैं। और एक हदीस मुबारक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स यतीम के सर पर मोहब्बत और शफकत का हाथ फेरे तो उसके हाथ के नीचे जितने सर के बाल आएंगे अल्लाह इतनी नेकियां उसके नामे अमाल में लिखवा देंगे। तो इसलिए ये तो बड़ी फजीलत की बात है कि इंसान किसी यतीम की परवरिश करे। और मिस्कीन को खाना खिलाना अल्लाह को बहुत पसंद है। अब्दुल्लाह इब्न सलाम एक आलिम थे, यहूदी थे, मगर इस्लाम ले आए और उनको अल्लाह ने ये शर्फ भी बख्शा। वो फरमाते हैं कि जब नबी इस्लाम मदीना तशरीफ लाए तो लोगों का हुजूम था। मैंने कहा भाई चलो मैं भी जाके देखता हूँ। तो मैं गया तो नबी इस्लाम ने सबसे पहली बात ये फरमाई अय्युहन्नास, ए लोगो अफशुस्सलाम, सलाम को फैलाओ, वातिमुत्ताम, और एक दूसरे को खाना खिलाओ, वसलुल अरहाम, और सिला रहमी करो यानी रिश्तेदारी जोड़ो, वसल्लू बिल्लैल वन्नास नियाम, और उस वक्त नमाज पढ़ो जब लोग सोए हुए होते हैं, यानी तहज्जुद की नमाज। यानी नबी अलैहिस्सलाम का ये अव्वल अव्वल खुतबा था मदीना में और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये तालीम दी लोगों सलाम आम करो, खाना खिलाओ एक दूसरे को, रिश्तेदारियां कायम करो, तहज्जुद की नमाज अदा करो, और तदखुल जन्नत बिसलाम, जन्नत के अंदर सलामती से दाखिल हो जाओ। यानी इन खूबियों वाला शख्स जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाएगा। अल्लाह हमें ऐसा बनने की तौफीक अता फरमाए। फवैलुल लिल मुसल्लीन, वैल का एक मतलब तो यह बर्बादी है उन नमाजियों के लिए जो दिखावा करते हैं, और एक माना इसका यह है कि वैल एक कुआं है जहन्नम में, जैसे समुंदर होता है ना गहरा, उसमें कई दफा कुएं होते हैं। साइंसी तहकीकात के मुताबिक इस वक्त समुंदर में ऐसे कुएं भी हैं जिनकी गहराई 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है, क्योंकि गोताखोर ज्यादा से ज्यादा 11 किलोमीटर तक जा चुके हैं। अब आप अंदाजा लगाइए 11 किलोमीटर नीचे वो कितना गहरा कुआं होगा भाई, उससे भी ज्यादा है उसकी। मगर जहन्नम के कुएं इससे भी ज्यादा गहरे। नबी साहब ने इरशाद फरमाया कि वैल ऐसा कुआं है कि उसमें अगर कोई पत्थर डाला जाए तो वो नीचे की तह तक पहुंचने के लिए 40 साल का वक्त लगाएगा,
गिरता रहेगा गिरता रहेगा, उसको वहां पहुंचने तक 40 साल लगेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना गहरा होगा भाई। उस कुएं में इन लोगों को डाला जाएगा। और इसमें नबी साहब ने इरशाद फरमाया कि वैल की आग इतनी गर्म है कि बाकी जहन्नम की आग भी उससे पनाह मांगती है। सामने इरशाद फरमाया कि बदतरीन चोर नमाज में चोरी करने वाला। अब हमारे समझ में ये बात आती नहीं है कि नमाज में चोरी कैसे हुई। तो अल्लाह ताला ने कि हबीब ने समझाया कि नमाज में चोरी करने वाला वो है कि पहले तो बैठा रहे नमाज का, भी बड़ा वक्त पड़ा है जी, पढ़ लेता हूँ पढ़ लेता हूँ। फिर जब नमाज पढ़े तो बस न रुकू किया सही, न सजूद ठीक तरह किया, ठोंके मार के जैसे जानवर जो है दाने चुगता है वो ठोंके मार के फारिग हो जाता है। तो ऐसा करने वाला भी नमाज में चोरी करने वाला है। मेरा ख्याल है अगर गौर किया जाए तो बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार होंगे। जो लोग ज़कात नहीं देते वो बहुत बड़े गुनाह का इर्तकाब करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीन यकनज़ून अज़्ज़हब वल्फिज़्ज़ता वला युन्फ़िकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोने और चांदी को जमा करते हैं और उसकी ज़कात नहीं देते उनको क़यामत के दिन के अज़ाब की बशारत दे दीजिए। यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लि अन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनज़ून। औरतों को सोना पहनने का तो बड़ा शौक होता है, जितना चाहो सोने से उनको लाद दो। वैसे तो दो राख की चीज नहीं उठाती और सोना चाहे उनको किलो के हिसाब से पहना दो, हर वक्त पहने फिरती है। फिर सोने की ज़कात भी नहीं देती, तो ज़कात नहीं देती वो फिर गुनाहगार बनती है। क़यामत के दिन उस सोने को चांदी को सलाखों में गर्म किया जाएगा और उनके माथों को उनके पहलुओं को और उनकी पीठ को दागा जाएगा और कहा जाएगा ये वो है जो तुम जमा करके रखते थे ना, उसकी सजा चखो जरा। अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी बड़ी सजा है। इसलिए जिस औरत के पास सोना है उसको उसकी ज़कात की फिक्र करनी चाहिए, इकट्ठी दे या पूरे साल में तकसीम करके दे, देनी जरूरी है। और इसके मसले मुफ्ती से पूछने चाहिए, राबता रखना चाहिए और उससे कैलकुलेशन करानी चाहिए, खुद हिसाब किताब ना करने बैठ जाए, अपना हिसाब किताब करवाए और उसकी ज़कात अदा करवाए ताकि फरीजा अदा हो जाए। और सच्ची बात यह है कि अगर हम सही तरह से ज़कात अदा करने वाले बन जाएं तो हमारे माशरे में मतलब गरीब रहेगा ही नहीं। ये खुद क्या चीज है इस्लाम की, जमाने में यही हाल था। एक बंदा ज़कात के पैसे लेके अपने घर से निकलता था, पूरा शहर फिरता था, ज़कात का हकदार कोई मिलता ही नहीं था। हर बंदा
कहता था कि मैंने खुद ज़कात देनी है। इतना खुशहाल माशरा था। हदीस मुबारक में है कि जो लोग ज़कात अदा नहीं करते उनके माल को क़यामत के दिन सांप की शक्ल में उनके पास लाया जाएगा और वो उनको डसेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मुख्तसर मज़मून था सूरह मारून का। इसके ख़वास सुन लीजिए। जो आज किसी बर्तन पर सूरत को पढ़कर दम करे वो बर्तन टूटने से महफूज रहेगा। जो आदमी सुबह को किसी बात सूरत की तिलावत को रोजाना का मामूल बनाए जो शख्स ख्वाब में सूरत की तिलावत करे वो अपने मुखालिफीन और अदा पर कामयाबी हासिल करेगा। कुरैश कुरैश एक कबीले का नाम है। कुरैश कर्श से निकला है और कर्श कहते हैं मजबूत चट्टान को। ये कुरैश के लोग भी थे हाशमी भी थे और बाकी थे हजरत सिद्दीक उस्मान। ये कुरैशी तो थे हाशमी नहीं थे। उनको बनू उमैया कहते हैं और इनको बनू अब्बास कहते हैं। तो बहरहाल कुरैश का एक नाम था। लोग उनका एहतराम करते थे। क्यों? कि ये काबे के कुंजी बरदार थे। तो अल्लाह ताला सूरतुल कुरैश में अपना एहसान जताते हैं। ले ईला फी कुरैश ईला फी रहलत शिताई वस्सईफ। कुरैश को मानूस करने के लिए अल्लाह ने उनके ऊपर गर्मी सर्दी का सफर आसान कर दिया। ये जब तिजारत के लिए निकलते थे ना तो इनको रास्ते के काफिले लूट मार नहीं करते थे। कहते थे यार ये बैतुल्लाह के रखवाले हैं इनको न छेड़ो। तो इनको अमन हासिल था। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत थी। अब ये कोई अमन हासिल इनकी वजह से नहीं था, ये बैतुल्लाह की वजह से था कि ये बैतुल्लाह के कुंजी बरदार थे। और बैतुल्लाह एक कमरा बना हुआ है, उसके अंदर तो कुछ नहीं है, बस उसके अंदर अल्लाह की तजलियात नाजिल होती हैं। उन तजलियात की बरकत की वजह से अल्लाह ने इनके लिए आसानियां कर दी। फिर और आसानियां ये हो गई कि इनके पास तो खुद खाने पीने की कोई चीज थी नहीं, अल्लाह ने इनकी चीजें इनके पास पहुंचा दी। यमन में खेती बाड़ी होती थी, फल होते थे, बड़ा सरसब्ज इलाका है। और वो लोग के वाफिर चीजें होती थी तो उन्होंने बेचना होता था तो वो जद्दा आके बेचते थे, लिहाजा जद्दा से हर चीज मिल जाती थी। तो मक्का वालों को आसानी हो गई कि उनको दूर का सफर भी नहीं करता पड़, मक्का से जद्दा आओ और उसमें जो जरूरत की चीज है वो लेके चले जाओ। ये अल्लाह का एहसान है ना कि अल्लाह ने चीजें उनके पास पहुंचा दी। और ये इसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा था जब उन्होंने बीबी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां छोड़ा तो थोड़ी दूर जाके एक जगह खड़े होकर ने दुआ मांगी, रब्बे इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती बेवादिन गैर ज़ी ज़रइन। ऐ अल्लाह मैंने अपनी औलाद को बसाया है एक ऐसी जगह पर जो वादी गैर ज़ी ज़रा है, इंद बैते कल मुहर्रम आपके हुरमत वाले घर के पास। किस मकसद के लिए? रब बना लियो की मसला ताकि अल्लाह वो तेरी नमाज कायम कर सके। फज अला फिदतम मिनन्नास तहवी इलैही। ऐ अल्लाह इंसानों के दिलों को इनकी तरफ मायल कर दीजिए। भाई दिल मायल होंगे तो दीन का काम होगा ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कुरान मजीद में है और ये मांगनी चाहिए।
हमारे हजरत रहमतुल्लाह फरमाते थे कि हर मस्जिद बैतुल्लाह की बेटी है, तो अपनी मस्जिद का ध्यान करके उसके करीब अगर घर है तो ये दुआ पढ़ो कि अल्लाह मैंने अपनी औलाद को इस मस्जिद के पड़ोस में बसाया, और बाद इब्राहिम जुजबा इलैहि समरात कुल्ली शै, हर चीज का समरा इनको मिलेगा। देखो हर चीज का, ये नहीं कि खेती का फल मिलेगा या बागों का फल मिलेगा, कुल्ला शै हर चीज का। अब इसमें हिकमत यह है कि आज उनको अगर सड़कें बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए मजदूरों की जरूरत है तो पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के सब लोग जाने को तैयार हैं। औलाद जो होती है वो भी तो दिल का फल होती है ना, तो अल्लाह ने फल यहाँ पहुंचा दिया, उनको मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, लोग उनकी मिन्नतें करते हैं जी हमें जॉब दे दे, हमें जॉब दे दे, हत्ता के अंग्रेज लोग जॉब ढूंढने के लिए वहां मारे मारे फिरते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ अल्लाह ने ऐसे कबूल फरमाई। लईलाफ कुरैश, इसलिए कुरैश को मानूस कर दिया, सफर से उन्स एक बड़ी नेमत है। कुछ लोग सफर से बड़ा घबराते हैं, उनका हिलने को दिल नहीं करता, जाने को दिल नहीं करता। हमारे हजरत फरमाते थे सफर सकर है, वसीला जफर है। तो सफर में तंगी तो होती है मगर जो करते हैं अल्लाह उसको फिर कामयाबी भी अता फरमा देते हैं। से मानूस रखने की वजह से अब चूंकि सफर पे निकलते हैं तो उनको अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क की बदहाली को खुशहाली में तब्दील फरमाए और बदअमनी को अल्लाह ताला अमन में तब्दील फरमाए।